तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम महाराज के दिव्य दरबार के पास। आप देख सकते हैं स्टोन ग्राउंड मियर रोड में, और आगे दिखाएंगे आपको कितने बजे उनका दिव्य दरबार चालू होने वाला है। और इस समय वो मंच पर बैठ चुके हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं। देख सकते हैं आप, लाउंज हो रहा है हमारे सामने और देखिए पूरा टाट लगा हुआ है यहाँ पर। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको, आप लोग वीडियो में बने रहें लास्ट तक। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मीरा रोड में और जाने वाले हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का, जहां पर दिव्य दरबार लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हम पहुंचे हैं मीरा रोड रेलवे स्टेशन के पास। आप देख रहे हैं मीरा रोड रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा। तो सीधा चलते हैं, आपको ग्राउंड का ही दर्शन कराते हैं। दोस्तों रिक्शा पकड़ने जा रहे हैं हम लोग और चल रहे हैं बागेश्वर धाम के पास। आप देख सकते हैं सब के सब जा रहे हैं बागेश्वर धाम में बालाजी के पास। दिव्य दरबार लग चुका है आगे, और चलते हैं स्टोन ग्राउंड में लेकर आपको। दोस्तों देख सकते हैं पहुंच चुके हैं हम बागेश्वर धाम के पास। दिव्य दरबार जहां पर लगा, एक मिनट साइड रुको ना। दोस्तों देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं मीरा रोड स्टोन ग्राउंड में। इस समय सामने देख सकते हैं खचाखच भीड़ भरी हुई है, बागेश्वर बालाजी महाराज का दिव्य दरबार लगा हुआ दर्शन करने के लिए यहां पर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम महाराज के दिव्य दरबार के पास। आप देख सकते हैं स्टोन ग्राउंड मियर रोड में, और आगे दिखाएंगे आपको कितने बजे उनका दिव्य दरबार चालू होने वाला है। और इस समय वो मंच पर बैठ चुके हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं। देख सकते हैं आप, लाउंज हो रहा है हमारे सामने और देखिए पूरा टाट लगा हुआ है यहाँ पर। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको, आप लोग वीडियो में बने रहें लास्ट तक। पत्तियों से घबराना नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं घबराना। जब तुम्हें 14 साल को वनवास मिलवा दिया, तुम्हारी घरवाई को कितने दिन भाई? नहीं भाई, क्या तुम कभी जो है ऐसी विपत्ति में फंस गए क्या? जंगली जंगल चलना है? बिल्कुल भी नहीं। आप तो घर में 4 दीवारी में साफ ना आया था, साफ ना आया होता भगवान राम जी से, रघुनाथ जी से। अच्छा हद ये है, हम लोग रामायण को तो मानते हैं, रामायण जी को तो मानते हैं, रामायण जी की ही मानते हैं, राम जी को तो मानते हैं। राम लेट लगेगा आवाज़ में, आपको पता है।